बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप बिजनेसमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बज़र साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कमाल ट्रैक्टर बहावल नगर रोड के। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि बिज़नेस के हवाले से ट्रैक्टर किस कंपनी के आपके पास मौजूद हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, खैरियत से हैं। शुक्र अल्लाह पाक। सर, आपने ट्रैक्टरों का कारोबार कब शुरू किया? अभी किया। अभी किया। सर, आप किसानों को, ज़री ज़मीनों के मालकान को किस तरह के ट्रैक्टर देते हैं, क्या क्या सहूलियात देते हैं? मैसी 240 या मैसी कंपनी के 385 ज़्यादा सेल होता है, या रूसी ट्रैक्टर अलगाजी कंपनी का ज़्यादा ट्रैक्टर सेल होता है। बस सहूलत यही है कि ट्रैक्टर थोड़ी बहुत उधार वगैरह हो जाती है मकामी जमींदार को, फसल तो पैसे मिल जाते हैं। आपके पास किस किस कंपनी के ट्रैक्टर मौजूद? मिल्लत कंपनी दे, अलगाजी कंपनी दे, बलारस रूसी। ठीक, इन ट्रैक्टरों के कारोबार में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात यही है कि कंपनियाँ थोड़ी जी क्लेम ज़रा मुश्किल देंदिया ने, जिमीदार सानू परेशान करता, तो असी कंपनी तो मगर मगर फिरते रहने, बस मुश्किल यही नहीं होती कोई नहीं। जिमीदार साहबान को एज अ ट्रैक्टर के आप बालकान बिजनेसमैन क्या पैगाम देंगे आप? बस जिमीदार ने ही पैगाम देवांगे कि ज़रा तेल टाइम ना बदलें ट्रैक्टर का, तो फिल्टर शिल्टर टाइम ना बदलें, टाइम बदलन के तो ज़्यादा देर चलेगा, जेकर लेट बदलन के तो थोड़ा टाइम चलेगा। साथ पे आप ट्रैक्टर देते हैं तो क्या लगता है कि उसी डेट पे आपको किस्तें दे देते हैं? नहीं, ये तो नहीं होता, ऐसा ऐसा कुछ देर हो जाती है, पर नहीं, ज़्यादा लोग तंग नहीं करते बस। ठीक, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किन किन मुश्किलात का सामना है ट्रैक्टर के बिज़नेस के हवाले से? हुकूमत पाकिस्तान रेट बहुत चक रही है, रेटों थोड़े घट करे, जिमीदारों भी फायदा होवे, कारोबारी भी फायदा होवे, टैक्स थोड़े घटा देवे, टैक्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सही, इसी वजह जिमीदार बहुत परेशान होंगे रेट बढ़ने की वजह से। रेट बढ़ने की वजह। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम ट्रैक्टरों के हवाले से बात कर रहे थे मोहम्मद बज़र साहब के साथ।